मौत को छोड़कर शरीर की हर बीमारी के लिए सिर्फ दो बूंद गर्म पानी के साथ। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप सभी लोग ये चाहते होंगे कि हमें कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए जो हमारे शरीर की हर बीमारी के लिए काम करे। यानी मैं कोई ऐसा नुस्खा आपको बताऊं जिससे कि आपको कभी कोई भी बीमारी हो तो आप उसमें उस नुस्खे का प्रयोग कर सकें, या फिर अपने शरीर की बहुत सारी होने वाली बीमारियों का इलाज कर सकें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा ही चमत्कारी नुस्खा लेकर आया हूं दोस्तों, जिसका प्रयोग आप अपने शरीर की हर तरह की बीमारी का इलाज करने के लिए कर सकते हैं। और दोस्तों ना सिर्फ ये नुस्खा आपकी शरीर की इन बीमारियों का इलाज करेगा बल्कि बहुत सारी होने वाली बीमारियों से भी आपके शरीर को बचा कर रखेगा। इतना चमत्कारी है नुस्खा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस सामग्री की बात कर रहे हैं वह है दोस्तों कलौंजी। और दोस्तों आप जानते होंगे कलौंजी में बहुत सारे विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। दोस्तों आप देखिए अपनी किचन में जाकर, आपके किचन में भी ये कलौंजी आपको मिल जाएगी। दोस्तों इस कलौंजी का बहुत अधिक महत्व है, तभी ये हर किचन में बड़ी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों कलौंजी हमारे शरीर की हर बीमारी का इलाज कर सकती है, और आयुर्वेद के अनुसार तो मौत को छोड़कर हमारे शरीर की हर बीमारी का इलाज इस कलौंजी के पास है। बस हमें परेशानी क्या होती है कि बहुत सारे लोग, या मैं ये कहूँ कि 99% लोग नहीं जानते कि कलौंजी का प्रयोग हमें करना कैसे है। दोस्तों चाहे आपको डायबिटीज की बीमारी हो या किडनी से जुड़ी कोई भी बीमारी, आपको अपने शरीर को मोटापे को कंट्रोल करना हो, इम्यून पावर को बढ़ाना हो, पाचन को मजबूत करना हो, पेट के रोगों का इलाज करना हो, दोस्तों खून को साफ करना हो, खून को पतला करना हो, अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ाना हो, ब्यूटी को इंक्रीज करना हो, एंटी एजिंग की समस्या से छुटकारा पाना हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही करना हो, दिल की बीमारियों का इलाज करना हो, हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉकेज से बचे रहना हो, या दोस्तों आपके शरीर की अन्य कोई बीमारी है, जैसे आपको लीवर से जुड़ा कोई भी रोग है, या शरीर में आपको कहीं भी दर्द रहता है, जोड़ों का, घुटनों का, कमर, कंधे, हाथ, कलाई, यानी किसी भी प्रकार का दर्द हो, या आपके शरीर की अन्य कोई बीमारी हो, दोस्तों उन सब बीमारियों में आप इस कलौंजी का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों ये कलौंजी बहुत कारगर तरीके से काम करती है, ना सिर्फ इन बीमारियों में बल्कि बवासीर जैसी बीमारी से भी आपको छुटकारा दिलाती है, आपके पूरे शरीर को डिटॉक्स करने का काम करती है। इतना चमत्कारी है इस कलौंजी का प्रयोग। बस आपने इसका सही तरीके से प्रयोग करना है और ये आपके शरीर की बीमारियों से आपको बचाने का काम करेगी। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आपने इस कलौंजी का प्रयोग करना कैसे है। दोस्तों पहला नुस्खा, आपने क्या करना है, एक चम्मच इस कलौंजी के बीजों का रात भर के लिए एक गिलास पानी में भिगो कर रखना है, और सुबह खाली पेट आपने उस कलौंजी के पानी को भी पी लेना है और उन कलौंजी के बीजों को भी चबा चबा कर खा लेना है। दोस्तों यदि आपको अधिक भी समस्याएं हैं तब आप इसमें एक चम्मच मेथी दाने का प्रयोग भी कर सकते हैं, और इन दोनों को अच्छी तरह सुबह इस पानी को पी सकते हैं, और उन दोनों को बीजों को, मेथी और कलौंजी के दानों को चबा चबा कर आप खा सकते हैं। एक तरीका, एक नुस्खा आपका ये हो गया। दूसरा नुस्खा दोस्तों, यदि आपको अनिद्रा की बीमारी है या आपका मोटापा बहुत अधिक है, आपके पेट पर बहुत अधिक चर्बी है और आप अपनी पेट की चर्बी का इलाज करना चाहते हैं, या अपने शरीर की इम्यून पावर को बढ़ाना चाहते हैं, या आपके शरीर को गंभीर बीमारियों ने जकड़ रखा है, तब आप क्या करें, रात को एक चम्मच कलौंजी के बीजों का एक गिलास पानी में भिगो कर रखते हैं, जैसे कि आपने पहले नुस्खे के लिए किया था। उसके बाद सुबह खाली पेट आप उस पानी को उबाल लें, और उबालने के बाद उस पानी को बिना छाने, यानी उस पानी को भी पी जाएं और उन कलौंजी के बीजों को भी चबा चबा कर खा जाएं। ये हो गया आपका दूसरा नुस्खा, खासकर मोटापे और अनिद्रा की बीमारी के लिए या पाचन को मजबूत करने के लिए। अब बात आती है तीसरे नुस्खे की। दोस्तों यदि आपको डायबिटीज की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारियां आपको लगी हुई हैं, बवासीर जैसी बीमारी है, यानी स्लो डिजीज है, जैसे वो कहते हैं ना, जैसे बवासीर, थायराइड जैसी बीमारियां स्लो डिजीज बीमारियां होती है, जिनका एकदम तो असर नहीं होता पर लंबे टाइम में इनका असर आपके शरीर पर दिखाई देता है। इनके कारण इनके कॉम्प्लिकेशन बहुत अधिक होते हैं, जैसे इनके कारण आपका वेट कम हो जाता है, अन्य बीमारियां लग जाती हैं, जैसे डायबिटीज के कारण आपको किडनी की और दिल की बीमारियां लग जाती हैं। तो इनके लिए आपने क्या करना है,
दोस्तों आपने ये कलौंजी का तेल लेना है जैसे कि हम ये ले रहे हैं। दोस्तों आपने क्या करना है, जब भी आप पानी पिए तब आपने क्या करना है, इस कलौंजी के तेल की दो बूंद उस एक गिलास गर्म पानी में डालकर आपने उस पानी का सेवन करना है यदि आपके शरीर को गंभीर बीमारियों ने जकड़ रखा है। लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं तब आप दिन में एक बार सुबह खाली पेट एक गिलास गर्म पानी में दो बूंद कलौंजी के तेल की डालकर पीजिए। यानी यदि आप अधिक बीमार रहते हैं, इम्यून पावर कमजोर है, तब आप जब भी पानी पियेंगे तब दो बूंद डालकर पियेंगे। और यदि आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ व्यक्ति भी इसको ले सकता है, उसको कोई नुकसान नहीं, उल्टे फायदे ही फायदे होंगे, वो बहुत सारी बीमारियों से बचा रहेगा। तब वो सुबह खाली पेट दो बूंद कलौंजी के तेल की इस गर्म पानी में डालकर पिए। और दोस्तों आप कलौंजी के बीजों का प्रयोग कर सकते हैं या कलौंजी के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से आपको एक ही चीज का प्रयोग करना है और इन तीनों में से आपने एक ही नुस्खे का प्रयोग करना है। ये नहीं है कि मैं आज ही ठीक हो जाऊं और मैं सारे नुस्खे आज ही अपना लूं, तो दोस्तों उससे क्या होगा, कचरा बन जाएगा, आपका शरीर ही कचरा बन जाएगा और आपका शरीर उल्टा बीमारियों का घर बन जाएगा। तो दोस्तों आप इस बात का विशेष ध्यान रखें और दोस्तों आप इस नुस्खे को आजमाइए और फिर देखिए चमत्कार कैसे आपका पूरा शरीर निरोगी बन जाएगा और आपके शरीर की हर तरह की बीमारी का इलाज हो जाएगा। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद दोस्तों।